बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल व करम से सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, शादो आबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। तो इसी के साथ सब बहन भाइयों से एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि जिन्होंने मेरे चैनल तहरापी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो और साथ लगे घंटे के बटन को ज़रूर प्रेस करना ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहेगा। जिन बहन भाइयों को हमारी वीडियो पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो इसी के साथ मैं करती हूँ आज की वीडियो शुरू। आज की वीडियो मेरी कुछ यूँ है कि शाम का टाइम हो रहा है, नमाज़ पढ़ के हटी हूँ और अब काम का टाइम है। तो भाभी तो घर में आया नहीं, अम्मी की भी तबीयत नहीं ठीक, तो वो तो अब सभी को खाना बना के भी खिलाना है, जो जो काम करने हैं वो घर के करने पड़ेंगे। तो चलते हैं, अब देखते हैं कि नेक्स्ट काम क्या करना है। तो नमाज पढ़ के हटी हूँ बाहर ही, इधर मैंने पढ़ी है तो इधर से ही मैंने वीडियो शुरू कर ली है। मैंने कहा साथ साथ वीडियो भी इधर से शुरू करके ले जाती हूँ। घर में तो ना कोई सब्ज़ा हरियाली कुछ नज़र आती नहीं, तो इसलिए बाहर निकली थी। तो इधर दरख्त वगैरह हैं, हर चीज़ हरी भरी, पीछे से कुछ सीन बन जाता है तो वीडियो अच्छी लगती है। तो मेरा दिल ने भी कहा कि इधर से शुरू कर लूँ, तो इधर से मैं शुरू करके अब अंदर जा रही हूँ। तो अब मेरे समीर बेटे ने सारा दिन फिरता रहा धूप में, तो अब नहा के हटाया, फिर भी ना तेल लगाया मुझसे इसने तो ना ही कंघी की है। तो अब इसकी आंखें ख़राब हो रही हैं, तो अब बैठना फिर भी नहीं बच्चों ने सुकून से, जो सारा दिन इसी तरह कभी किधर कभी किधर धूप में। तो अब जा रहा है फिर दूसरी साइड पर। तो अब मैं चलती हूँ घर की तरफ। अब जी आवाज नहीं बंद की, उधर मैं देख रहा की हूँ हो गया ना सही, की हो गया भाजी तोड़ दिता इन्होंने, बच्चे ने तोड़ दिता है। कोई नहीं है, वैसे भी खत्म हो गया उसे। हाँ जी, ऐसे करके बाहर रखे होंगे। हाँ जी भाभी जी उन्हें गए हुए आ मामू जी उन्होंने। हाँ जी, फिर इस करके जोड़ा है ना बाजी जी ले आए सी कि अम्मी जी भी दीवी तबीयत नहीं ठीक है, उन्होंने भी अच्छ हॉस्पिटल लैके जाना है, तो बहते नहीं है कि असं क्या वे काम तुम ना करो। तो अम्मी जी भी फिर जोड़ा है ना लगे हुए काम, तो भाभी जी ने भी जरूरी काम है सी ऐसे करके गए से नहीं, तो उन्होंने हजे जाना नहीं सी है, तो उन्होंने एक मजबूरी ऐसी एक जरूरी काम से उन्होंने जाना इस करके गए से, वह नहीं तो शादी के टाइम हो जाना है उन्होंने। चलो बाजी मैं ले आया सी क्योंकि बच्चों छुट्टियां हुई सी, मैं बाजी चलो तुम साढ़े नाल जड़ा है ना अम्मी की कोई हेल्प करवा दियो, हूँ जड़ा है ना अम्मी जी को काम नहीं होंगे है वैसे, क्योंकि जोड़ों में दर्द रहा वा तो बीमार रेंदे अम्मी जी, तो नाले मिस्त्रियां भाइयों ने भी आ जाना वा, सारे घर का जोड़ा वा ना फाइनल अज हो चुकया वा, इस जगह तो बरामदा बनना वा, इतों टोटल कंप्लीट काम जोड़ा वा ना इतने तक करवाना वा, सब रूम का काम हो जाएगा। सब बहन भाई बहुत ज़्यादा शिकायत कर रहे थे कि भाई रूम सैट करो, किचन सैट करो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह सब काम हो जाएंगे। अपने बहन भाइयों की दुआ चाहिए, उन्हों की सपोर्ट चाहिए, इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम करेगा तो सारे काम जोड़ा है ना मुमकिन हो जाएंगे। मिस्त्री भाई ने भी फाइनल कर चुके हैं, वो एक दो दिन के अंदर अंदर बेच आ जाएगा, मतलब कि असी पहले मटीरियल पूरा कर दीए फिर उस तो बाद उन्होंने आ जाना वा, तो फिर इंशाल्लाह शादी तो पहले पूरा घर जोड़ा वा ना वी आई पी मॉल बन जाएगा ज़बरदस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं लगी हूँ आंडे उबालने, आग मैंने जला ली है, साथ में देसी के देसी भी ऊपर रख लिए, पानी डाल के आंडे ऊपर इसमें डाल लिए, आंडे को उबाल लेती हूँ क्योंकि अम्मी जी की आज दो तीन दिन से तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, तो पता नहीं बीपी कम है या क्या मसला है, तो इसलिए कहती हैं आंडा उबाल के दो, शायद जिसमें जो इतनी ज़्यादा दर्द हो रही है कम हो जाए, हम वो उबाल के देती हूँ। और साथ साथ जिस सफाई वगैरह मैंने सारी कर ली है, धूप काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तकरीबन 12 बार बज चुके हैं,
सफाई करते करते बर्तन धो के हटी हूँ। ये बर्तन धो के मैंने इधर रखे हैं, ये दूसरी सेटिंग इधर, ये पहले की रोटियाँ पड़ी हैं सूखी, ये जानवरों को डालते हैं और साथ साथ अंडे उबल जाएंगे तो फिर मम्मी को देती हूँ। अब जो माशाल्लाह से घर साफ सुथरा हो गया है सफाई की वजह से। नानी घर आए हैं? अच्छा, नानी घर नहाते भी हैं? अच्छा, अच्छी गल है, फिर मेरी बेटी तो बड़ा काम करती। ये अंडे उबल चुके हैं, अब इनको निकालती हूँ बाहर। ये अंडे बाहर निकाल लिए हैं, अब इनको छील लेती हूँ तो फिर अम्मी को और बच्चों को देती हूँ, क्योंकि अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है तो बच्चे साथ देख के कहेंगे भी हमने भी अंडे खाने हैं, तो इसलिए मैंने उनके भी डाल लिए। साथ में कावा भी बना लिया है, अंडे भी उबाल लिए हैं, अब बच्चों को भी देती हूँ और अम्मी को भी और खुद भी ये चाय पीती हूँ। अम्मी जी शाम हो रही है, हूँ कहदा सला बनाना, केड़ा काम करना है फिर? हूँ प्याज बना लाना, लहसुन गंढा बना लाना, प्याज बना लाना, तो बस पाल जाना है। अच्छा, नज़दीक ही है दूर? उतो हूँ चले शहर हूँ दे शक बताऊं दी होनी पता नहीं देर तक चले आया पहुंचने वाला, वो कहने वैसे पहुंच गया होना है। अच्छा, ओदे बताऊं वो बड़े दिनों का बताऊं बताऊं कर रहे हैं। चलो फिर आज आ जाएंगे। चलो फिर जेड़ी चीज आ गई अल्लाह में प्याज कोई काटो ते पहुंच जाना शहर खरीदने ना घर पहुंचे। आवाज आंदी नहीं भाई अगे इधरों दिन आके गया, मैं नमाज पढ़ती सी ना बाहर, आ होने मैं लगता अपने दी कि ओही वापस आंदा पिया। मैं सुबह मैसेज ते तैनु भेजा सी व्हाट्सएप ते भी पालक ले आई भरा देखी। चलो जी पहुंच गया, जो इंतजार करते सी। वालेकुम अस्सलाम। मेनू ना फ्रेश सब्जी मिली है मकामी है तां के लाए आ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗਈ ਸੀ ਗਿਆ ਤੋਰੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਬੜੀ ਤੇ ਮੋਟੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਕੱਦੂ ਸੀ ਜਾਂ ਬੈਂਗਣ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਘਿਆ ਤੋਰੀ ਬਸ ਤਿੰਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸੀ। ਭਿੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਿੰਡੀ ਫਿਰ ਲਿਆ ਤੇ ਭਿੰਡੀ ਲਿਆ ਤਾਂ ਬੂਜੀ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੈਂਗਣ ਲਿਆ ਬੂਜੀ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੇ, ਗੋਭੀ ਲਿਆ ਬੂਜੀ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੈਂਗਣਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਬੂਜੀ ਗੁੱਸੇ, ਅਬੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਛਿਲਕਾ ਤਾਰ ਤੇ ਨਾ ਜੀ ਗੰਡੀ ਤਾਰ, ਫਿਰ ਗੁੱਸੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਛਿਲਕਾ ਤਾਰ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਗੰਡੀ ਤਾਰ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਅਬੂ ਜੀ ਫਿਰ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣਾ। ਅਬੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਮਾਂ ਜੀ ਪਿਆਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇ ਹਾਲ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕੜੀ ਸੁਬਾ ਪਕਾਉਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੜੀ ਸਹੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਨੀਚੇ ਰੱਖ ਬੇਟਾ ਖਰਾਬ ਸੁਬਾ ਤੈਨੂੰ ਕੜੀ ਪਕਾ ਦੇਣੀ ਭਈ ਜਲਦੀ ਬਣ ਜਾਣੇ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਕੜੀ ਫਿਰ ਭਾਈ ਜਵੇਦਾ ਪੇਟ ਦਰਦ ਕਰੇਗਾ ਬੀਬੀ ਤੇ ਲਿਆਵਾ ਤਾਂ ਬੂਜੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਅਦਰ ਲਿਆਵਾ ਬੂਜੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੋਭੀ ਲਿਆਵਾ ਬੂਜੀ ਗੁੱਸੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਖੇੜ ਸਕਦੀ ਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸਲਾਹ ਕਰ ਦੇ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਲਾਹ ਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲੀ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਾਈ ਪਾਈ ਕੇ ਲਿਆ ਕਰ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹਤਾ ਗਾ ਮੈਂ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਖੜੋ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਖਾਂਦਾ ਕਿ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ
एक ना दूसरे बैंगन है उन्हें बीज नहीं होंगे छोटे छोटे है फ्रैश बिल्कुल इन्होंने भाजी अजकल गर्मी कितनी है वही देखो ना गर्मी करके सब्जी गर्मियों इन्नी ज़्यादा महंगी रही है तो जोड़ा सिलेंडर गया से तो गया से सब्जियों नहीं सी कभी चुकया हजे तई 2200-2300 के हाँ जी तो हूँ गर्मियों से उन्नी का सर्दियों के छोड़ नहीं होते ना सर्दियों के 5000 का हो सर्दियों के 3500 के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हूँ मैं बना रही हूँ सालन तो अग भी थोड़ी काफ़ी तेज़ हो गई जी तो सालन बना रहे हैं आलू बैंगन मैं घी अच्छी तरह फ्राई कर दी है इन्होंने